हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा राधे राधे। और आज आप लोगों के लिए फिर आ गई हूँ एक नई रेसिपी लेके। तो आज हम बनाएंगे लौकी की मिठाई। तो लौकी की मिठाई बनाने के लिए हमने 4 लौकी ले ली थी बड़े साइज में। और ये देख लीजिए, इसमें से हमने 2 लौकी कद्दूकस में कस कर लिया है। और कद्दूकस कस कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि आज इन्हीं से बनाएंगे मिठाई। और ये लौकी की मिठाई बहुत अच्छी बनाते हैं फ्रेंड्स। इधर हमने टुकड़ों में लौकी छील के कट करके रख लिया है, उधर कद्दूकस में कस करके रख लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम सारी लौकी को कद्दूकस में कस कर लेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो लौकी थी वो भी कद्दूकस में सारी लौकी को हमने कस कर लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे हम। तो फ्रेंड्स, कद्दूकस में कस गई थी सारी लौकी। तो अभी इधर चढ़ा दी थी कढ़ाई, कढ़ाई में हमने दूध उबाला था इसलिए इसमें दूध लगा हुआ है। तो अभी हम इसमें जो लौकी का एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल के लौकी इसमें डाल देंगे कढ़ाई में, ये देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारी लौकी का पानी निचोड़ के और इसको कढ़ाई में रख देंगे पकने के लिए। तो फ्रेंड्स, इधर सारी लौकी हमने कढ़ाई में डाल दी है और इधर जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल दिया है। आप लोग चाहें तो इसको छन्नी में छान के पी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी और फ़ायदेमंद होता है। बहुत लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। तो फ्रेंड्स, हमने लौकी चढ़ा दी है कढ़ाई में, ये देख लीजिए। तो अभी पानी और छोड़ेगी लौकी, तो इसलिए हम इसको चढ़ाए रहेंगे जब तक कि एकदम सूख नहीं जाती लौकी हमारी। तो फ्रेंड्स, हमको इसमें एक ख़ास चीज़ का ध्यान देना है कि लौकी में बीजे ना हो, और जो बीजे आ जाएं उनको आप निकाल दें, क्योंकि जब बीजे रहेंगे तो मिठाई हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो लौकी थी ये देख लीजिए, जितना भी पानी था इसमें छोड़ने लगी है। तो अभी हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी एकदम से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी लौकी का पानी देख लीजिए सोख लिया है इसमें। तो अभी हम डालेंगे इसमें 3 चम्मच घी। घी को हम डाल के फिर अच्छे से लौकी को करेंगे फ्राई, भूनेंगे कस के लौकी को, ताकि हमारे जो मिठाई है उसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये मैंने घर का घी बनाया है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो घी है वो अच्छे से गल गया है। अभी हम लौकी को फिर इसमें मिला देंगे अच्छे से। घी में लौकी को हम अच्छे से भून लेंगे। तो इसको अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि लौकी जो हमारी है वो चिपकने ना पाए। तो फ्रेंड्स, हमने लौकी को भून लिया है और ये अब हमने ले लिया है 500 ग्राम चीनी। तो अभी हम इस लौकी में डाल देंगे चीनी को। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा कम मीठा ज़्यादा मीठा जिसको जैसा पसंद है वैसा डाल सकते हैं। तो अभी हम चीनी डाल के अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे लौकी में। फ्रेंड्स, तो लौकी हेल्दी भी होती है। अगर आप सब्जी नहीं खाते हैं तो इस तरह आप लोग मिठाई बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमने चीनी डाली थी ये देख लीजिए, अभी वो गल गई है तो कितना सारा पानी छोड़ रही। तो इसको भी हम सुखाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने चीनी डाली थी वो मेल्ट हो गई है, और मेल्ट होकर देख लीजिए थोड़ा थोड़ा सूख भी गई है। तो हमने पहले से हमने 1/2 kg दूध को उबाल के रख लिया था, अभी हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, सॉरी, हमने इसमें 1 kg दूध डाला है और पहले हमने गर्म करके रख लिया था, ये देख लीजिए। मैंने दूध को कुछ गाढ़ा होने तक गर्म किया था। तो अभी हमने इसमें डाल दिया है दूध। तो फ्रेंड्स, हम खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप लोग खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग को खोया वाला बनाना है
तो आप खोया का बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास दूध था तो हमने दूध से ही बना लिया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी चीनी, दूध, ये सब इसमें पड़ा हुआ है, अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि एकदम सूखा नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें अब डाल दिया है इलायची के कुछ दाने, ये देख लीजिए। इलायची डालने से हमारी मिठाई का जो फ्लेवर है वो और ही अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, हमारी जो लौकी की मिठाई थी वो ड्राई होने लगी है अभी। और ये देख लीजिए, खोया तो नहीं पड़ा, दूध ही पड़ा है, लेकिन खोया का पूरा वो दिख रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये जो लौकी की मिठाई बनती है इसमें पूरे प्रोसेस में 20 से 30 मिनट लग जाता है, बट खाने में बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं मिठाई हमारी धीरे धीरे बनने को तैयार हो रही है। फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कि कैसा बना था मेरा वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी इसको 10 मिनट और लगेंगे कम से कम, और तभी हमारी जो मिठाई है वो तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, हमारी लौकी की मिठाई बनके तैयार हो गई है। अभी हमने ले लिया है एक प्लेट, और प्लेट में हमने ये थोड़ा सा घी लगा के रख दिया था, तो अभी इसी प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सारी मिठाई को निकाल कर प्लेट में रख लिया है। अभी हम इस पे डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। हमने ये कुछ कटी हुई गरी ले लिया है, अभी हम डाल देंगे थोड़ा सा बादाम, उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ काजू। फ्रेंड्स, हम इसमें किशमिश नहीं डालेंगे, क्योंकि किशमिश का टेस्ट थोड़ा कम अच्छा आता है लौकी की मिठाई में, तो इसलिए हम इसमें किशमिश नहीं डाल रहे हैं। मेरे पास जो जो ड्राई फ्रूट्स थे वो हमने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, हमारी लाजवाब मिठाई बनके हो गई है तैयार। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। अभी हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर तो फ्रेंड्स, अभी हम इसको रख देंगे फ्रिज में 8 घंटे के लिए कम से कम, तब तक ये हमारी मिठाई जो अच्छे से सेट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। बाय बाय, टेक। तो फ्रेंड्स, हमारी मिठाई 8 घंटे हो गए फ्रिज में रखे हुए, और ये देख लीजिए, अब एकदम से ये जम गई है। तो अभी हम इसके पीसेस कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, हमने इसको पीसेस में कट कर लिया है, और अब हम इसका टेस्ट चेक करते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट बना। बहुत बढ़िया बना है भाई, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए मेरे हस्बैंड के हाथ के खाने के लिए लौकी की मिठाई, और ये बहुत टेस्टी बनी है, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो को करती हूँ बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।